जी दोस्तों, ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा। तो 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं, 180 अंश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये 115 है और ये 2 और ये 3, 5, 120 हो गया। 120 में से 40 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा। 160 में से 30 जोड़ेंगे तो 190 हो गया। जब ये 190 हो गया तो ये त्रिभुज के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। पहला ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है 100 है और ये 30 60 है। 100 160 हो गया, 160 और 30 90, इसका भी योग कितना आ रहा है? 190। ये भी ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी त्रिभुज के 3 कोण संभावित नहीं होंगे। अगला दिया हुआ है 80 और ये है 70, तो 8 7 15 अर्थात 150 हो गया। 150 में 40 जोड़ेंगे तो इसका भी आ रहा है 190। यह भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है, आप इसे बिना चेक किए भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन हुआ नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन फिक्स है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, चेक कर लेते हैं, तो 7 6 13, 13 और 5 18, अर्थात 180 अंश बन रहा है। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। समझ गए? नहीं तो ये ध्यान देना है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। तो ये देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज बी सॉरी कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण ए बराबर 100 अंश है तो कोण बी ओ सी का माप क्या है? यह भी आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं, कह रहा है त्रिभुज एबीसी है, तो एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, ए और ये आपका बी और ये आपका सी है। त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कोण ए 100 अंश है। कितना है? 100 अंश है। फिर कह रहा है त्रिभुज कोण बी और कोण सी के आंतरिक विभाजक द्विभाजक, तो आंतरिक द्विभाजक आपका मान चलिए ये है और आपका ये है, आंतरिक द्विभाजक ओ पे काम कर रहा है। अब फिर ये कह रहा है कोण बी ओ सी ज्ञात कीजिए, बी ओ सी इस कोण का वैल्यू ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपका आंतरिक कोण का जो मान होता है कोण बी ओ सी बराबर होता है 90 अंश प्लस हाफ कोण ए, यही होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 90 प्लस 1/2, कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है 100 अंश। कितना दिया हुआ है? 100 अंश। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। तो कोण ए बी ओ सी कितना हो गया आपका? 140। ऑप्शन नंबर आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं, दिया हुआ है, कह रहा है एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है, एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है किसी बिंदु पर नहीं, एक बिंदु पर। पहला कह रहा है किसी बिंदु पर नहीं। अब ये ध्यान दीजिए, ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, किसी बिंदु पर नहीं, एक सरल रेखा किसी वक्र को
किसी बिंदु पर नहीं काटती, एक बिंदु पर काटती है। फिर दूसरा तीसरा कह रहा है एक से अधिक बिंदु पर काटती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये एक वक्र है, एक रेखा है ये, तो यह जो रेखा है इस वक्र को एक ही बिंदु से काट रहा है। कितने बिंदु से? एक ही बिंदु से। इसलिए कोई रेखा या एक सरल रेखा एक वक्र को मात्र एक ही बिंदु पर काटेगी, एक ही बिंदु पर काटेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा ऑप्शन है? बी सही है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का हो, तो अन्य दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण हो सकता है। यह आपका यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज है, तो हम यही मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया। कह रहा है इसका कोण दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका कोण यह 130 अंश दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। फिर कह रहा है अन्य दो कोणों के अर्धक, तो अन्य दो कोण ये हैं, इसका अर्धक कर लेते हैं, तो हम लोग इसका अर्धक कर लेते हैं। जैसे ही आधा करेंगे, अर्धक कर देना है, आधा जब आधा करेंगे मान लेते हैं ओ पे काटता है। तो फिर कह रहा है अर्धकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो कोण अर्धक यही है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, अर्थात वही कोण बी बी ओ सी ज्ञात करना है। तो हम लोग कोण बी ओ सी बराबर, अभी हम लोगों ने देखा था इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 90+ हाफ कोण ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90+ हाफ कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है 130। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 65, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 155। तो आपका कोण बी ओ सी बराबर कितना आ गया 155। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगा। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अगर ये वीडियो आपको बार बार देखना पड़े तो आप बार बार इसे देखिए। ठीक है, यदि आप इस वीडियो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।